नीरज कुमार राठौर फ्रॉम घमासान.com, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंदौर, अटेंडिंग IMA कॉन्क्लेव इंदौर। आज मेरे साथ में IT इंडस्ट्री के पीयूष जी नागर साहब हैं। आपने 2014 में 6 सेंस कंपनी की स्थापना की थी, जो कि IT का अपने क्षेत्र का एक स्टार्टअप है। आप जो है मल्टीपल सॉल्यूशन दे रहे हैं। पीयूष जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने कब कंपनी स्टार्ट करी थी जी, और क्या क्या उतार चढ़ाव आए? पहली बार मैंने जो अपना वर्क स्टार्ट किया, मैंने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट किया, उसके बाद अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में काफ़ी सारी हर्डल्स आई। फर्स्ट जो मेरा स्टार्टअप था, दैट मुझे कुछ रीजंस की वजह से उसमें डाउनफॉल आया। देन मैंने अपना ग्रोथ स्टार्ट किया। नाउ वी हैव अ 50+ टीम हु इज़ वर्किंग विद अस। वी हैव 50+ डायनेमिक इंजीनियर्स एंड MBA स्टूडेंट्स विद अस हु आर वर्किंग, एंड नाउ वी आर ग्रोइंग वेरी वेल। वी सर्व मोर देन 1000 क्लाइंट्स in a short span of time. We are serving more than 37 countries. We have our own 30 plus solutions with us, which we are providing to the industries. So we are covering almost every kind of industries. We are giving chance to the new students, new management aspirants, new technical guys to do some great stuff with us, give their idea, and we are implementing that ideas and giving a growth to the organization who are connecting with us. Here in this conclave, we are a technical partner, and we are giving the technical consultancy, and we are giving we have given the visitor management solution to the IMA conclave, and it's a pleasure for us. अभी देखते ही देखते IT में एक नया revolution आ गया। अभी हम artificial intelligence, internet of things, real time data, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स के दौर में आ गए देखते ही देखते 4-5 सालों में। जाहिर सी बात है कि कॉलेजों से इतने अच्छे स्किल वर्कफोर्स अभी निकल नहीं पा रहा है इंदौर के कॉलेजों से, तो आपकी कंपनी ने भी कहीं ना कहीं अच्छे स्किल्ड वाले स्टूडेंट्स आपको एकदम से नहीं मिले होंगे। आपने स्वयं ने ट्रेन किए होंगे या फिर इंटर्नशिप वगैरह दी होगी, तो ये स्किल्स की जो कमी अभी इंडस्ट्री जो फेस कर रही है, क्या आपने भी फेस की और इसका क्या सॉल्यूशन है? बिल्कुल, हम लोगों ने ये चीज़ फेस की है, क्योंकि ये हम लोगों के साथ एक सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम रहा हम लोगों की ग्रोथ में, और जिस चीज़ को हम लोगों ने फिर ओवरकम किया कि कुछ जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हम लोगों ने कनेक्ट किया अपने साथ में, उन लोगों को ट्रेन किया, उन लोगों को सिखाया हाउ टू वर्क इन अ इंडस्ट्री एंड हाउ टू मेक द प्रोफेशनलिज्म, हाउ टू डू द इनोवेशंस, बिकॉज सिक्स सेंस हमेशा बिलीव करता है इनोवेशंस पे। तो हम लोगों ने उनको ट्रेन करके कंफर्टेबल बनाया इंडस्ट्री के लिए। नाउ वी हैव अ वेरी गुड टीम हु इज़ वर्किंग विद अस, एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अभी भी हम लोग अच्छे स्टूडेंट्स को लेते हैं अपने साथ में, वी विल ट्रेन देम प्रोफेशनली और अपने साथ एसोसिएट करते हैं, एंड वी ऑल आर गोइंग टुगेदर। सो दैट इज़ द एनवायरमेंट व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू क्रिएट, बिकॉज आवर इंस्टीट्यूशंस आर नॉट दैट मच कैपेबल टू क्रिएट द प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और दैट मच टेक्निकल पर्सन, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्टली, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट इन एजुकेशन सिस्टम। So corporate and the startups needs to come there and need to give the knowledge to students for the practical approach. अभी स्टार्टअप का जो हम देख रहे हैं कल्चर इंडिया में, कि बहुत स्पीडली स्टार्टअप आ रहे हैं, और IT के क्षेत्र में जितने भी स्टार्टअप आए उन्होंने बहुत ही अच्छी ग्रो किया। IT के ही स्टूडेंट्स अभी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से अभी जूझ रहे हैं इंदौर में। एक सर्वे हुआ था, वो सर्वे बता रहा है कि अभी भी एक बी कंप्यूटर साइंस किया हुआ जो स्टूडेंट है वो अभी भी इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रखता है, और इतनी हाईफाई जो टेक्नोलॉजी आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उनके साथ में वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो स्वयं अपना स्टार्टअप या तो डाल लें, या कैसे वो ग्रो करें इंडस्ट्री में अपने आप? देखिए, स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप एक नॉलेज लेते हैं इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहाँ से जो भी आपका थ्योरेटिकल नॉलेजेस होते हैं वो सारे नॉलेजेस आप कलेक्ट करते हैं,
देन यू जस्ट थिंक कि मैंने यहाँ से पढ़ लिया है, अब मुझे हो सकता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल सकती है या मैं कुछ अच्छी जगह पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊँगा, बट दैट इज़ अ मिथ। आपको सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना होगा, आइदर आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्ट हो, जैसे IMA एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकते हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहाँ पे वो कनेक्ट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि एक प्रैक्टिकल इंटर्नशिप पे वो फोकस करें या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस करें। सिर्फ अपनी जो लाइफ के 3 से 4 साल या 6 साल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्पेंड करते हैं, तो सिर्फ ये सोच के नहीं निकलें कि हम लोग यहाँ से जस्ट पास आउट होंगे, डिग्री होगा और जॉब मिल जाएगा। यू नीड टू वर्क आउट हार्ड, आपको कहीं ना कहीं से एक एडिशनल नॉलेज लेना होगा, आइदर आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से लेते हैं, कहीं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, या किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ में बैठ के या उनसे कंसल्ट करके गाइडेंस लेते हैं। सो इन शॉर्ट द लास्ट थिंग कि आपको एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, आपका कैरियर पाथ क्या है, उस डायरेक्शन में जाने के लिए आपको कौन कौन से सिलेक्शंस करने होंगे। That is the message. जी पीयूष जी, आपने जो समय दिया Ghamasan.com के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि स्टूडेंट्स आपके मैसेज से कुछ लर्निंग करेंगे, और निश्चित ही इंदौर में IT के क्षेत्र में और भी स्टार्टअप आएंगे जी, और ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है इनके ऊपर और भी काम होगा। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज है और उसको लगता है कि वो लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहा है इन द टर्म्स ऑफ जॉब पर्सपेक्टिव और स्टार्टअप और इन टेक्निकल और इन मैनेजमेंट, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट सिक्स्थ सेंस इज ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। दे कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट, कॉन्टैक्ट अस, कम टू अस, विल जस्ट गिव देम फ्री गाइडेंस ऑन हाउ टू ग्रो इन देयर लाइफ एक्चुअली। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे Ghamasan से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।